हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमने एक हेडिंग लगा रखी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो वह प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रक्रम होता है जिसके अंतर्गत हम नया पदार्थ प्राप्त करते हैं और जो हम नया पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं उसके गुणधर्म क्या होंगे, अलग होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं और उस नए पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रारंभिक पदार्थ से अलग होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नए पदार्थ बनते हैं, और उस नए पदार्थ के और उस नए और उस नए पदार्थ के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब क्या बच्चों, गुणधर्म मतलब भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। गुणधर्म आपका दो चीज़ों से तात्पर्य निकलेगा, हम भौतिक गुणधर्म देखेंगे बच्चों रंग रूप आकार से उसके, और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे नए पदार्थ के गुणधर्म प्रारंभिक पदार्थ से, प्रारंभिक पदार्थ से अलग होता है। तो उस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उस प्रक्रम क्या होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक बात हमें गौर करने वाली बात है, हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारी क्लास 10th है, तो इतनी शार्ट डिफिनेशन यदि हम लिख कर आएंगे तो जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो भी शार्ट मिलेंगे। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कुछ और पहलुओं को ऐड करें इसमें, जैसे उस नए पदार्थ के गुणधर्म प्रारंभिक पदार्थ के गुणधर्म से क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि और डिफिनेशन की, हम इसे और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आपका नया पदार्थ बने उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक तो हमने इसे जान लिया। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जनरली दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं और उन्हीं दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आओ देखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक कागज़ है और ये आपकी क्या है, आग है, इन दोनों को जलाया। आपको बच्चों दिख रहा होगा ये आपका कागज़ जल रहा है और हमें क्या क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर देखिए आपका धुआं निकल रहा है और ये कागज़ जलने के बाद हमें क्या मिल रहा है, राख मिल रहा है। क्या जब इन पदार्थों ने अभिक्रिया हुई तो क्या हमें जो पदार्थ मिला एक नया पदार्थ है, क्या आपका ये नया पदार्थ है? तो हाँ, कि जब दो पदार्थों या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें
तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा, अथवा में क्या लिख सकते हैं हम, यदि हम एक और डेफिनेशन लिखना चाहें तो हमने लिखा आपका अथवा। तो वह प्रक्रिया, तो बच्चों इसे हम क्या सकते हैं, कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों से क्या कहते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों यदि यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आपने एक एग्जाम्पल देख ही लिया है कि जब हम आपका कागज लिए और उसे जलाया तो हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ, तो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम खड़े हैं और आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो लेने वाला पदार्थ क्या है आपका, ऑक्सीजन है, निकालने वाले पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या रहा आपका, रासायनिक अभिक्रिया रहा बच्चों। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और आपके बोर्ड के हिसाब से दो अभिक्रियाएँ हैं, उसे आप याद रखिए, ये अभिक्रियाएँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख कर रख लीजिए आने वाली है। वह कौन कौन से हैं, एक है आपका कार्बन, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। तो बच्चों ये कार्बन, यस का मतलब क्या है बच्चों, यस का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस। कुछ आपको टर्मोलॉजी ऐसे ब्रैकेट में लिखे होंगे, इक्वेशन मिलते हैं, यस मिलेगा, यल मिलेगा, जी मिलेगा, एक्यू मिलेगा और एरो का साइन भी मिलता है कभी कभी। तो इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपका बच्चों यस मिले तो समझ लीजिएगा वह जो पदार्थ है उसकी अवस्था क्या, सॉलिड है, मतलब क्या है बच्चों, ठोस है। अगर बच्चों आपका यल मिले तो समझ जाइएगा आपका जो पदार्थ है क्या है, लिक्विड है, मतलब क्या है बच्चों, द्रव है। अगर बच्चों जी मिले तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है क्या है, गैस है, मतलब क्या है वो, आपका गैस है। अगर आपका एक्यू मिले तो आप समझ जाइएगा आपने जो पदार्थ लिया एक्वस सॉल्यूशन है, जली विलयन है। तो बच्चों क्या है आपका, एक्वस सॉल्यूशन है तो मतलब क्या है आपका, जलीय विलयन है। और कुछ टर्मोलॉजी आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे आपकी एरो की साइन लग रही है और एरो का साइन ऊपर है तो मतलब आपकी गैस निकल रही है, इसका क्या है आपका, इसका मतलब है गैस निकल रही है। इसका बच्चों क्या मतलब है, ऐसे साइन मिले तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा बच्चों कि गैस निकल रही है, और यदि आपका इस प्रकार से साइन मिले तो बच्चों आप समझ जाइएगा इसका मतलब क्या है, अवक्षेपण प्रेसिपिटेट बन रहा है। आपका क्या रहा है वो, अवक्षेपण हो रहा है, मतलब आपका पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये आप इसमें इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको तीन ही चीज़ें
ये तीन टर्मोलॉजी अक्सर आपको मिलेंगे, तो ये आप कुछ टर्मोलॉजी हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे लिखे मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और आपका क्या बना रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या है आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यदि हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो आप देख रहे होंगे मैग्नीशियम कि जब मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो आपका क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आपको यहाँ पर एक डाउट तो हो गया होगा, यहाँ पर हमने लिखा CO2, ऑक्सीजन की संख्या 2 लिखा और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन संख्या 1 लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम यहाँ पर ऑक्सीजन 2 क्यों नहीं लिख सकते, तो इसके विषय में और हम सीखें। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बायोटिक वी कैन एनालाइज हियर, यहाँ पर क्या है Mg है, Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है, तो और जाने जो Mg का परमाणु क्रमांक कितना है 12 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, 8 और 2 आएगा, क्योंकि आपको भी सिखाएंगे एक ट्रिक, फनी ट्रिक है, उसे आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप सुनेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मैग्नीशियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना है बच्चों 2, 8 और 2 आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं बाह्यतम कोष कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बाह्यतम कोष कहेंगे, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इसे बच्चों कितना क्या कहेंगे बाह्यतम कोष कहेंगे, बाह्यतम कोष, तो इसे हम क्या कहें बच्चों बाह्यतम कोष कहेंगे। यहां पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है यहां पर क्या लिखा हो ऑक्सीजन, और बच्चों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा और 6 मिलेगा। तो ये बताइए यदि ऑक्सीजन को अष्टक नियम फॉलो करना है, कहने का मतलब यदि ऑक्सीजन अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहे तो क्या करें, यदि मैग्नीशियम स्टेबल होना चाहे अष्टक नियम होना चाहे तो क्या करें कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यदि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका भी 8 हो जाएगा बाह्यतम कोष में, तो एक ही पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है कि ये दोनों क्या करें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे दे ऑक्सीजन को, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितने Mg आ रहे हैं बच्चों, एक ही Mg आ रहा है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है बच्चों 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने Mg आएंगे 2 Mg आएंगे। क्या इतनी बातें समझ में आई, एक ऑक्सीजन के लिए कितने Mg होगा 1 Mg होगा, 2 ऑक्सीजन है तो कितने Mg आएगा 2 Mg आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम इक्वेशन को संतुलित करेंगे तो 2 Mg लगाएंगे और O2 लिखेंगे तो 2 MgO होगा। तो ये बात समझ में आई, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया रही, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया रही। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करें इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है कार्बन ऑक्सीजन, क्या ये दोनों अभिक्रियाएं कर रही हैं, हाँ यही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे। अभिकारक का क्या मतलब है, आओ यहाँ पर इसकी हम टर्मोलॉजी देखते हैं। अभिकारक, अभिकारक का बच्चों मतलब होता है अभिक्रिया करने वाले, अभिक्रिया करने वाले। तो बच्चों अभिकारक का क्या मतलब निकला, अभिक्रिया करने वाले, तो कौन अभिक्रिया कर रहा है कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये क्या निकला बच्चों अभिकारक रहे। तो यहां पर आप देखिए
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करे तो ये क्या रहे, अभिकारक रहे। और इसके बाद बन क्या रहा है, CO2 बन रहा है और यहाँ पर MgO बन रहा है। तो ये अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। ये आपके बच्चों क्या उत्पाद है, ये भी आपका क्या है उत्पाद है। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट होगा, ये भी क्या बच्चों आपका उत्पाद होगा। और ये अभिक्रिया कर रहे हैं इसलिए ये क्या होगा आपका अभिकारक होगा बच्चों। और ये क्या होगा बच्चों आपका, ये भी आपका क्या होगा अभिकारक होगा। तो नाउ हियर यू कैन सी कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है। तो अब हम आपकी अगले हेडिंग पर चलते हैं जो आपका अभिकारक और उत्पाद है। तो ठीक है बच्चों, नाउ वी स्टार्ट योर नेक्स्ट हेडिंग। और बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसे आप पढ़कर जाइएगा और एक नंबर यूपी बोर्ड में लेकर आइएगा। चाहे आपसे रिएक्शंस पूछ लें, चाहे आपसे रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन पूछ लें। अब हम आपका आते हैं अभिकारक, कहाँ पर आते हैं आप बच्चों, अभिकारक एवं उत्पाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने जो हेडिंग लगा रखी है वह क्या आपका अभिकारक है और क्या बच्चों आपका उत्पाद है। तो अभिकारक क्या है, अभी आपने सीखा अभिक्रिया करने वाले ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया करेंगे वह कहलाएंगे आपके अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उत्पाद कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं आपकी अभिकारक के बारे में हम कैसे लिखेंगे। अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके बीच अभिक्रिया होती है, ऐसे पदार्थ जिनके बीच अभिक्रिया होती है उसे बच्चों क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके बीच अभिक्रिया हो उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उत्पाद कहेंगे। तो कहने का यहाँ पर क्या मतलब निकला, उत्पाद का अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये दोनों ही वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें फॉर एग्जाम्पल C+O2 after reacting it will form your CO2, it means carbon dioxide। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे आपका, अभिकारक कहेंगे। तो इन्हीं के बीच अभिक्रिया हो रही है तो इसे बच्चों हम क्या कहेंगे आपका, अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया होने के बाद ये पदार्थ आपका बन रहा है CO2 तो इसे बच्चों हम क्या कहेंगे आपका, उत्पाद कहेंगे। तो अब हम आपके
अगली हेडिंग पे चलते हैं जो आपकी है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यदि हम तत्वों की संख्या के आधार पर बात करें, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। अगर यहीं पर यहाँ पर हम देखें, जैसे हमने लिखा था इसके पहले MG प्लस O2 बना रहा था MgO। तो बच्चों यदि यहाँ पर देखें तो कितने मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, कितने ऑक्सीजन है, ओ दो ऑक्सीजन यहाँ पर। अच्छा कितने यहाँ पर मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, कितने ऑक्सीजन है आपके बच्चों, एक ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बायां पक्ष में और दायां पक्ष में संख्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जहाँ पर बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, और ये क्या होगा बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो ठीक है बच्चों, जैसा कि आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिन बच्चों को ज़रूरत है ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ, और आप इसे अच्छे से इसके माध्यम से पढ़ाई करते रहें और अच्छे मार्क्स अर्जित करें। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।